नमस्कार, न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां लालखान धानी व देईदास के ग्रामीणों ने जिला परिवहन अधिकारी को ज्ञापन देकर निजी बसों का किराया निर्धारित करने, परमिट व परिचालक लाइसेंस की जांच करवाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि नोहर से एलनाबाद चलने वाली निजी बसों के परमिट नोहर से डिब्बे वाय एलनाबाद के है, परंतु बस एलनाबाद तक जाकर वापस आ जाती है। आपको बता दें कि बसों को नोहर से भूकरक्का, परलिका, बास, गढ़वास, महलबास होते हुए कच्चे रास्ते से देईदास बस स्टैंड पर जाना होता है, लेकिन बसें मेन रोड होते हुए भूकरक्का से सीधी देईदास जाती है। इससे आमजन को काफ़ी असुविधा होती है। इसके अलावा बस परिचालक सवारियों की टिकट नहीं काटते और किराया ज़्यादा वसूल करते हैं। बसों में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं लगे और परिचालकों के पास लाइसेंस भी नहीं है। बसों के फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं है और ना ही कोई टाइम टेबल है। ज्ञापन में बसों की जांच करने की मांग की गई है। इस मौके पर भूप सिंह, मनीष, महेश कुमार, विनोद, शोहनलाल, हेमराज, सुदाम, अरबाज, देवीलाल, जय सिंह सहित अनेक नागरिक मौजूद थे। व्यवस्था परिचालक देता है, गंभीर जी को किराया वसूल करना चाहता हूँ 20 किलोमीटर का 40 रुपया, जबकि निर्धारित 1 किलोमीटर को 1 रुपये राजस्थान गवर्नमेंट को है बसंग लेना ही है। ना बसंग रूट परमिट कोई सही है, ना कोई बसा में सुविधा मिले। पहले जब मर्जी करे आपको मैं मिस नंबर कर दे, दो दो नंबर मिस करके इतने घटा सुबह इंतजार करो अपने ले जा सकते बच्चे ने शाम ने, लेकिन 4:30 बजे बाद में कोई बस खुल जा शाम में सारे बटे ले जा सकते हैं परेशान हुए। हमने जी कर रखी है एक आधा आने का बहुत कम हो। अब बोलो लोअर शो दे एलनाबाद बस जावे है, जबकि बस संग ना आगे परमट है, ना आगे नोर है, अवैध किरायो लिया है। देईदास एलनाबाद 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर है और 40 रुपया सवारी को किरायो लिया है और सवारियाँ सागे जबकि बदतमीजी करे बाहर लगे दो दो नंबर बेचारा मिस कर दिया। आप मन मर्जी हो चले है भी अब जी आप 2:30 बजे बस आनी है, बस 3:30 आई मिस कर गए 4:30 बजे बाद में कोई बस कौन नहीं, 7 बजे तक बड़े सवारियाँ परेशान हो गए करें।